येलो टी टर्मेरिक टी पार्ट थ्री, 1 महीने में 8 किलो तक वजन घटाए, 8 केजी तक रिड्यूस कर सकता है, अगर वाटर रिटेंशन हुई तो उससे भी ज्यादा। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम आपके 4 केजी लेकर जरूर जाएगा। अगर जो रूल इस वीडियो में बता रही हूँ उसकी तरह आप फॉलो करेंगे तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि जाती है मेहनत और होंगी मैं मोटिवेट इसलिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कि इस चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को प्रोत्साहन दें, क्योंकि आगे वेट लॉस का जितना भी वीडियो है मैं इस चैनल पे डालने वाली हूँ, और वेट लॉस से जितनी भी रिलेटेड चीजें होगी वो इसी चैनल पे जाएगी। 5 साल के बाद इसको स्टार्ट कर रही हूँ, तो बिल्कुल मोटिवेट कीजिए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है, तो जो कुछ भी लेकर आई हूँ सब कुछ नेचुरल है। इस बार टी में एक अलग सा हर्ब लीफ यूज कर रही हूँ, बहुत ईजिली मिल जाता है मार्केट में या फिर ऑनलाइन। ये वेलवेटी दिखने वाला जो लीफ है यही सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, तो इसको मैं इसमें बताऊंगी और बहुत लोगों की मदद करेगा। बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं वो हर एक लोगों के लिए है, चाहे वो डायबिटीज से जूझ रहा हो या फिर वो किसी भी तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम से, थायराइड से, पीसीओडी से, मेल हो या फीमेल, बच्चे सब पी सकते हैं, छोटे बच्चे भी पी सकते हैं जो 2 साल के होते हैं। खांसी सर्दी से भी बहुत अच्छी तरह से निजात दिलाता है, बॉडी पेन आपके अंदर से हटाएगा, किसी भी तरह की एलर्जी है उससे आपको बाहर निकालेगा। प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ मैं ये कहूंगी कि वो थोड़ा सा दालचीनी जो मैंने इसमें ऐड की है उसको अवॉइड करके बाकी टी को वैसे ही रखें। तो चलते हैं टी की रेसिपी पे। शुरू के जो 2-3 इंग्रेडिएंट है उससे आप अनभिज्ञ नहीं है, आपको पता है कि मैं एग्जैक्टली स्टार्ट क्या करने वाली हूं। तो पहला इंग्रेडिएंट ये है कि हम ले रहे हैं इसमें अदरक। अदरक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जिनको भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है या फैट की भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये टी। कीमो जो करवाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। कीमो के अंदर कीमो का टाइम लिमिट जो होता है ठीक होने का या साइड रिएक्शन का, उसको चेंज कर देते हैं। तो मैं लूंगी पहले 1 लीटर वाटर, और 1 लीटर वाटर में 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक मिला रही हूं। अगर वजन करोगे इसको, वेट करोगे, तो 20 से 25 ग्राम के बीच में आएगा, तो वो आप दोनों तरह से देख सकते हैं इसको। 1 लीटर से ज्यादा चाय मत बनाना, आपके क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता रही हूं, क्योंकि उससे ज्यादा चाय फ्रिज में जो रखते हैं वो बाद में जब आप उसको यूज करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देता है जो पहले दे रहा होता है। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे कच्ची हल्दी, ये ऑप्शनल है। जिनको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है वो कच्ची हल्दी ना भी ले तो चलेगा, उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी बहुत ज्यादा गैस, ब्लोटिंग या लोअर पार्ट हैवी है या यूट्रस में प्रॉब्लम होती है और घुटनों में दर्द है, वो बिल्कुल कच्ची हल्दी ले। ग्रेटेड यहाँ पर मैंने लिया 1 टेबल स्पून। इसको भी आप वजन करेंगे तो 20 से 22 ग्राम के करीब वजन आएगा। एक अनुपात से आप 1 टेबल स्पून के करीब ग्रेटेड डालेंगे। इसको बॉइल करना है पानी को, तेज फ्लेम पे मैं यहाँ पर बॉइल कर रही हूँ। करीबन आप इसको 5 मिनट के करीब बॉइल करें, देन दालचीनी डालना है। दालचीनी एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी फंगल भी होता है, और आपके बॉडी के कई हिडन डिजीज को क्योर करता है। दालचीनी में वेट लॉस एड भी है एक तरह से, बट मैं यहाँ पर मोटी स्टिक यूज कर रही हूँ, पाउडर नहीं यूज कर रही हूँ। ये स्टिक आप देखो, ये स्टिक को आप एक बार नॉर्मल कोसर सॉल्ट, टेबल सॉल्ट से रगड़ कर साफ कर लेना, क्योंकि पेड़ की टहनी है, तब इसमें डालना तोड़ करके। यहाँ पर करीबन मैं ये 1.5 इंच का जो टुकड़ा है यह मैंने 2-3 इसमें डाले हैं, लेकिन जब चाय बन जाएगी तो वो टुकड़ा निकाल कर धोकर रख लीजिएगा, और वही टुकड़ा आप 3-4 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद उस टुकड़े को सुखा लेना और उसका पाउडर बना के सब्जी में डाल लेना। अगला इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिनको ब्लोटिंग है उसको भी, और जिनको फैट है उसको भी, जिनको बादी से है उनका भी, और जिनका अम्लपित्त बढ़ा है, हर तरह से अजवाइन आपके दर्द में और आपके बाद में बहुत असर करता है। आपको किसी भी तरह का वात होगा उसके लिए अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। ये गर्म होता है ये ध्यान रखना, तो अगर पेट में गर्मी बनती है तो भी अजवाइन का पानी आप पियेंगे तो उस गर्मी को कंट्रोल करेगा। जो भी 40 डेज प्रेगनेंसी के अंदर है उसके लिए ये चाय बहुत अच्छी है, और
प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, और जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो हर तरह से इसको मल्टीपर्पज बनाया गया है। सिर्फ दालचीनी स्किप करना, दालचीनी इतना डेंजरस नहीं होता है प्रेगनेंसी में, बट माना जाता है, तो आप ये प्रिकॉशन रख लेना। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी मैंने 20 ग्राम के करीब यूज किया है, तो 1 1.5 टेबल स्पून के करीब है ये अजवाइन। फिर मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और कच्ची हल्दी में बहुत फर्क होता है। अगर आप सोचते हैं दोनों एक ही चीज है और एक ढंग से असर करेगी, तो ऐसा नहीं है। जिनको कोल्ड फ्लू का असर ज्यादा होता है, कफ एंड कोल्ड का, उनको हल्दी पाउडर बहुत बहुत असर करता है, एक मैजिकल असर करता है। और जिनको भी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, उनके लिए कच्ची हल्दी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आप मैसेज में पढ़ेंगे कि नहीं, कुछ लोगों को येलो टी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो कुछ लोगों को ऑरेंज टी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दोनों टी लोगों को रिजल्ट एक जैसा देगी, क्योंकि बॉडी में या तो पित्त बहुत ज्यादा होगा या फिर कफ ज्यादा होगा। तो जिनको कफ ज्यादा होता है, कफ एंड कोल्ड ज्यादा रहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। मैंने दोनों इसलिए मिलाई है क्योंकि मोस्टली लोग मिक्स्ड बॉडी होते हैं, मिक्स्ड बॉडी होते हैं, और उनको दोनों प्रॉब्लम होती है, कफ और वात दोनों होती है, पेट भी जल रहा होता है और कफ भी होता है साथ में। जो मेरा अभी तक का 3 साल का एक्सपीरियंस है उस पे मैं ये बात कर रही हूँ। कहीं भी ये चाय बनाने के बाद आपको गर्म करती है या आपको लगता है कि पिंपल हो रहा है, तो उसको डाइल्यूट फॉर्म में लेना और फिर भी गर्मी होती है, तो आप हल्दी को, हल्दी की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। यहां पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिए, जो कि तौलने के बाद 15 ग्राम हो रहा है। ये हल्की पाउडर है इसलिए आपको प्याले में बहुत सारा दिख रहा है, पर ये 15 ग्राम पाउडर है, 1 टेबलस्पून 12 ग्राम के करीब होता है। तो आप इसको देख के लेना कि अगर आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप 5 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में ले सकते हैं। ये अनुपात मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि दुनिया में करोड़ों शरीर और करोड़ों शरीर की करोड़ों, तो इतने ज्यादा बॉडी है और हर बॉडी अलग अलग ढंग से रिएक्ट करता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज में ध्यान देना ही पड़ेगा कि आपको, आपकी बॉडी कौन सी वाली है, और उसी हिसाब से आप उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर हीट भी है, पेट गर्म भी रहता है, और साथ में मुझे कफ की भी प्रॉब्लम है, तो मैंने दोनों को लिया है और दोनों के कॉम्बिनेशन में ये बना रही हूँ, जो मेरे बॉडी के लिए या ए बी ब्लड ग्रुप के लिए परफेक्ट होता है। जो मास्टर की नया इंग्रेडिएंट है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये जो वेलवेट जैसा लीफ आपको दिख रहा है, ये पत्ते हैं सेज के, सेज के लीफ है ये, बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इस वीडियो में यूज किया, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट, पहली कमेंट इस वीडियो की होगी जो सबसे ऊपर नजर आएगी, उसमें दे दूंगी। सेज लीफ का काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, वैसे भी आपको ये लेना ही पड़ेगा फ्यूचर में जो स्टोन पे बिलीव करते हैं। सेज लीफ डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, खास करके मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उनके हार्मोन पे बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप हार्मोन को कंट्रोल में रखेंगे, तो आपका वेट क्या, बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी। दूसरी बात क्या है कि ये सेज लीफ का काम होता है कि आपके बॉडी के बादी को कम करे, आपके शरीर में किसी भी तरह की बादी होती है उसको हटाता है, और उसी तरह आपके लाइफ के बादी को भी हटाता है। तो ये हेल्थ का चैनल है, तो यहां पर मैं आगे बात नहीं करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली जो मैं बताने वाली थी कि ये सेज लीफ से स्टोन का भी क्लीनिंग होती है, बट आप इसको लीजिए जरूर, ताकि ये आपको बहुत ढंग से लाइफ में भी और फिजिकल और मेंटल हर तरह से सहूलियत दे। स्टूडेंट के लिए सेज लीफ बहुत अच्छा होता है। आप जब इसकी चाय पीते हैं और इसको चाय पी करके आप सोते हैं, मतलब रात और दो दिन में दो बार का डोज जैसा कि मैं बताती हूँ, तो आपकी नींद बहुत अच्छी आती है, करवट लेने पे शरीर में दर्द नहीं होता है, और अगर पीरियड के टाइम इस टी को यूज करेंगे तो आपका फ्लो अच्छा रहेगा और उसकी वजह से पूरा मंथ बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सेज लीफ अपने आप में एकदम जादूगरी चीज है, बट इसकी प्रॉब्लम, जो साइड इफेक्ट है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये गर्म तासीर की चीज होती है। तो अगर गर्म तासीर की है तो आपको ध्यान रखना होगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट इससे आपको पाइल्स नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सेज लीफ से आपको पाइल्स या पिंपल हो जाएगा, हार्ट बर्न लिटिल बिट होने की संभावना होती है। तो करना यह है कि अगर आपको नहीं सूट करता है सेज लीफ और आपको लग रहा है कि इसकी वजह से गर्मी हो रही है, तो बस आप पुदीने के पत्ते 10-12 बॉईल कर ले, इन्फ्यूज ना करें, जिस टाइम ये सारा बॉईल हो रहा है उसी टाइम डाल के बॉईल कर ले, और बॉईल करने के बाद जब आप गैस बंद करते हैं तब इस सेज लीफ को इसमें ऐड करना है।
इसकी मात्रा बता दूं, ये सिर्फ 2 ग्राम मैंने इसमें डाला है। ये हल्का पत्ता है तो कटोरी में भरा हुआ बहुत ज्यादा लग रहा है। आप हाथ से अंदाजे से उठाइए, कम से कम 20-25 लीफ होनी चाहिए। और इसको डालने के बाद गैस बंद कर देना है, जैसा कि मैंने बताया। अब मैं डोज पे आती हूँ। डोज ये है कि ये 1 लीटर चाय जब आप बनाओगे, तो अगर इसको ढक करके आपने पूरी जो इन टोटल बॉइल की है वो आपने इसको 10 to 15 मिनट बॉइल किया है, तो ये 900 ml के करीब चाय रह जाती है। दिन में लेना है 150 ग्राम, सुबह लेना है अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप मेथी लेते हैं, थायराइड की दवा लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वो आप ले लो, उसके बाद आपको ये लेना है। और ये आपको 150 ml के करीब लेना है। लेकिन ये बनाएंगे आप जब, तो उसको छोड़ देना, ताकि हल्दी मसाला जो भी नीचे बैठ जाए। आपको हल्दी का पाउडर बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना है, नहीं तो आपका पेट जलेगा। बस उसका एक्सट्रैक्ट ऊपर आ जाना चाहिए, ये बस है। एक सुबह लेना है आपको, और एक रात को सोने से पहले 150 ml लेना है। ये 2 बार दिन में लेना है। 1 लीटर बनाई है मैंने। 1 लीटर का मतलब है कि मेरे को, मैंने 1 लीटर का इसलिए अनुपात दिया है क्योंकि बहुत आसान अनुपात होता है। अगर आपका कंजम्पशन ऐसा है कि आप अकेले पीने वाले हो, तो आधा लीटर से ज्यादा चाय मत बनाना, क्योंकि अगर आधा लीटर से चाय बनाएंगे तो तीसरे दिन इसका रिजल्ट बहुत माइल्ड हो जाता है। तो आपको ताजा ही बनाना पड़ेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है येलो टी में भी, जितनी भी तरह की येलो टी या फिर ऑरेंज टी है, जब तक ये 1 दिन तक ताजी रहती है, मतलब 2 दिन का डोज अगर आप बनाते हैं, तब तक तो वो ठीक असर कर रहा होता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, मतलब उसका असर आधा, फिर धीरे धीरे जैसे डिले होगा, 1 हफ्ते तक का जो डोज मैं बना के रखती थी, उसकी रिजल्ट भी धीरे धीरे माइल्ड हो जाती है। तो आप आधा लीटर बना करके रखिए, जिससे कि आपका दो दिन का काम चल जाए। 600 ml के करीब में आपका 2 दिन का काम चल जाए, 1 दिन जिस दिन बनाई और 1 उसके दिन। तो 2 दिन बहुत है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तीसरे दिन आप उसको यूज नहीं कर सकते। मेरे फैमिली में और भी लोग येलो टी पीते हैं, इसलिए मैंने 1 लीटर बनाई। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, ये बहुत बेस्ट है बूढ़े लोगों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, एस्थमा के लिए, हर तरह के डायबिटीज के लिए, हर तरह की बीमारी, हिडन पेन, बॉडी में बहुत पेन, स्वेलिंग, ब्लोटिंग, सब अच्छा करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अवॉइड ना करें, आप इसको जरूर लें और घर में फैमिली को भी दें। अगर आप छोटे बच्चे को देना चाहते हैं, छोटा बच्चा बहुत रोता है और देना चाहते हैं, और बच्चा 1 साल का है, तो बस 1 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर उसको दिन में 2 बार टॉनिक की तरह पिला सकते हैं जब छोटा बच्चा है। 5 साल का हो जाए तो 2 टेबलस्पून आप दे सकते हैं, या 1 टेबलस्पून दिन में 3 बार दे सकते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देना, छोटे बच्चे को गर्म चीज मत देना। अगर वो बच्चा आपका 10 साल का हो जाता है और मोटा है, जैसे काफी लोग कहते हैं कि मेरे छोटा बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तब उनको 50 ml के करीब दिन में 2 बार दे सकते हैं, इसी रूल के अनुसार कि सुबह और रात को सोने से पहले। तो डोज सबके लिए, जो 16 साल से ऊपर है उसका डोज मैंने बता दिया, 150 ml सुबह जब उठते हैं नाश्ते से पहले, और 1 सोने से पहले। ये 2 बार कीजिए, और प्लीज फीडबैक अपना जरूर आफ्टर 1 मंथ, 15 डेज, जितने भी दिन में आपको रिजल्ट मिलती है, नीचे जरूर लिखिए। 8 kg बहुत इजीली जाता है, जिसके भी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है, जिसके बॉडी में बादी बहुत ज्यादा है। फैट अगर रहेगा तो इंच लॉस करोगे, वजन दिखाई नहीं देगी, कि आपका वेट लॉस उतना नहीं होगा जितना इंच लॉस हो जाएगा, क्योंकि फैट फोम के समान होता है, उसमें वजन नहीं होती है। तो आप स्लिम बहुत दिखोगे, मोहल्ले वाले टोकने लगेंगे, दोस्त टोकने लगेंगे, और आप स्लिम भी दिखो, इंच लॉस हो, तो नीचे प्लीज आप मोटिवेशन के लिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको फॉलो कर सके, आप बिल्कुल लिखिएगा। विद इन अ वीक आपको बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट इस टी का दिखता है। तो मैं चाहूंगी 1 हफ्ते बाद से आप अपना फीडबैक देना शुरू कर दें, कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या फीलिंग आ रही है और कौन कौन से बीमारियों से निजात मिल रहा है। जिन जिन को गर्मी लगती है उनके लिए पुदीना पत्ता मैंने बता दिया। और अगर मेरा ये रिसर्च, जो नया येलो टी बनाया मैंने और जिसका एक्सपीरियंस मैं लास्ट 3 मंथ से देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो इसका ये एक्सपेरिमेंट मेरी, आपको मेरा ये रिसर्च और इन्वेंशन पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली और सोशल मीडिया पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें, ताकि आपका एक एल्बम क्रिएट हो और बाद में आप इसको देख सके। ऐड करने के लिए सिंपल है, मेरे वीडियो के नीचे देखना उल्टा ट्रायंगल बना होता है, एकदम छोटी सी बटन साइड में राइट साइड होती है, उसको क्लिक करेंगे तो वहां बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहीं पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, तो आप वहां से जोड़ सकते हैं। ऐड लिखेंगे आ जाएगा कहां कहां जोड़ना है आपको, तो बिल्कुल आप वहां पे जोड़िए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को वेट लॉस, जो स्पेशली मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, कि यहां पर वेट लॉस की क्वेश्चन आंसर, वेट लॉस से रिलेटेड काम होगा, तो इसको बिल्कुल मोटिवेट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल पाऊं, मोटिवेट रहूं और ज्यादा वीडियो डाल पाऊं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर
कीजिए, और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।